लिखिए, थ्योरम लिखिए मैट्रिक स्पेस में. द डेरिवेटिव ऑफ अ सेट, द डेरिवेटिव ऑफ अ सेट, द डेरिवेटिव ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट. द डेरिवेटिव ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट. डेरिवेटिव ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है. अभी तक आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया गया था. कहा गया था कि मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, e उसका कोई सबसेट है, तो डेरिवेटिव ऑफ e को, डेरिवेटिव ऑफ e को आप डिनोट करते हैं e डैश या फिर d ऑफ e से. ठीक है, आपको शो करना है कि ये क्लोज सेट होगा. क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए अभी तक टिल डेट हमने केवल एक सिंगल चीज़ आपको समझाई है. हमने क्या कहा है कि आपको दिखाना होगा कि इसका सारा का सारा लिमिट पॉइंट इसी में पाया जाता है. तो एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताए थे कि मान लेंगे एक्स ई डैश का लिमिट पॉइंट है. अगर हम बस इतना दिखा दें कि एक्स ई डैश में पाया जाएगा, तो चूंकि उसका आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट ई डैश में पाया जाएगा, तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जाएंगे और वो सेट क्लोज्ड हो जाएगा. उल्टा मान लीजिए, मान लेंगे इफ़ पॉसिबल, इसका उल्टा मान लीजिए, मान लीजिए एक्स ई डैश में पाया नहीं जाएगा. ठीक है, एक्स ई डैश में पाया नहीं जाएगा, ये मान के अंत में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे. ई डैश का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ई, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ई. अगर एक्स ई डैश में है तो वो ई का लिमिट पॉइंट होगा. अगर एक्स ई डैश में नहीं है, इसका साफ मतलब है एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ई. एक्स ई का लिमिट पॉइंट नहीं होगा. एक्स ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई रेडियस ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी कि x को सेंटर, r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर जब e से इंटरसेक्ट करेगा और x को हम बाहर निकाल देंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 5. चूँकि ये लिमिट पॉइंट नहीं है, आपको बताते हैं लिमिट पॉइंट है तो नॉट इक्वल टू 5, लिमिट पॉइंट नहीं है तो इक्वल टू 5. तो ये वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 5. क्लियर है. चलिए लिखिए इस बात को, लिखिए लेट x, d, लेट x, d बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट x, d बी अ मैट्रिक स्पेस एंड e बी सबसेट ऑफ x, एंड e बी सबसेट ऑफ x. Then clearly, E dash be the derivative of, E dash be the derivative of set E. E dash be the derivative of set E. That is E dash be the collection of, that is E dash be the collection of all the limit point of E. That is E dash be the collection of all the limit point of E. नीचे से लिखिए, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ई डैश इज अ क्लोज्ड सेट, ई डैश इज अ क्लोज्ड सेट इन मैट्रिक स्पेस x, d. ई डैश इज अ क्लोज्ड सेट इन मैट्रिक स्पेस x,
एक्स कॉमा डी, ए डैश को क्लोज दिखाना है तो एक लिमिट पॉइंट मान लेंगे, उतना दिखाना होगा कि वो लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा। इसको दिखाने के लिए कॉन्ट्राडिक्शनरी कंडीशन का यूज करेंगे, मान लेंगे कि वो लिमिट पॉइंट उसमें पाया नहीं जा रहा है। नीचे से लिखिए, लेट एक्स बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश, लेट एक्स बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश, लेट एक्स बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट एक्स बिलोंग्स टू ई डैश, देन वी हैव टू शो दैट एक्स बिलोंग्स टू ई डैश। हो गया। नीचे से लिखिए, इफ पॉसिबल कॉमा लेट अस कंसीडर, इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई डैश, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई डैश। ये लिखिए। आप लोग कॉलेज जा रहे हैं क्या? अभी क्लास चल रहा है? क्यों, की स्थिति हो रही है? देखिए, लॉकडाउन होगा तो भाई आप लोगों के लिए तो बढ़िया ही है, यहाँ तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, उसी में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर जब तक चलेगा, चलने दीजिए, बस तब आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, लिखना पड़ेगा ना। हाँ, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। देखिए, आपसे कहा गया है कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ e डैश। अगर x e डैश का लिमिट पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0, एस एक्स आर का e डैश से जब इंटरसेक्शन लेंगे और x को बाहर निकालेंगे, चूंकि वो उसका लिमिट पॉइंट है तो वैल्यू क्या आएगी? नॉट इक्वल टू 5। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। नीचे से लिखिए, 1 के नीचे से लिखिए, सिंस एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश, देन इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। हो गया। आपको बताए थे एक बार कि अगर x e डैश में है ही नहीं तो उसको बाहर निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज एस एक्स आर इंटरसेक्शन e डैश डज नॉट इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। अब तो बच्चे कम आ रहे होंगे कॉलेज वॉलेज में कोरोना की वजह से। अरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। हाँ, रोज आ रहा है, डेटा बढ़ रहा है और इस 3 दिन में ज्यादा बढ़े हैं डेटा कोरोना पेशेंट्स से। अरे संभल के रहिए भाई, क्योंकि ये कोरोना का तीसरा चरण है, तीसरा चरण भी जानलेवा है। जैसे फर्स्ट स्टेज डेथ वाला था, सेकंड स्टेज नॉर्मल था, थर्ड स्टेज फिर डेथ वाला है। खुदा ना खास्ता कि किसी को हो जाए। मत जाइए भीड़ भाड़ में, एकदम मत जाइए आज। मतलब हमको इतना अभी अनसिक्योर फील हो रहा है। रीज़न क्या है?
मतलब गलती हो गई हमसे, हम पहले टाउन हॉल से आ रहे थे, खूब भीड़, मोड़ करके बेतिहाता होते हुए आए, खूब भीड़, और वही मेरी गलती हो गई कि हम वहाँ पे फंस गए, हमको आना ही नहीं चाहिए था। और हमको इस समय इतना ख़राब लग रहा है कि इतनी भीड़ में से निकल कर गए हैं, वो भी बच्चे के साथ, मतलब ही नहीं है कोई। देखिए, दो सेट्स का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश। अगर दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई है तो दोनों में कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर एंड वाई बिलोंग्स टू ई डैश। तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, वाई बिलोंग्स टू ई डैश का मतलब है, वाई बिलोंग्स टू ई डैश का मतलब है वाई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। ठीक, दूसरी चीज, आपको पता है कोई भी ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, तो ये वाई का नेबरहुड होगा, नेबरहुड ऑफ वाई। आप कहते हैं कि अगर वाई ई का लिमिट पॉइंट है तो वाई का हर एक नेबरहुड ई से इंटरसेक्ट करके वाई को बाहर निकाल करके वैल्यू नॉट इक्वल टू फाई देगा। वाई का हर एक नेबरहुड ई से इंटरसेक्ट करके वाई को बाहर निकाल करके वैल्यू नॉट इक्वल टू फाई देगा। दिस इम्प्लाइज, आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता है। अगर इस वाई को हम निकाल भी दें तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू फाइव। दैट मीन्स एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डज नॉट इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर 4। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड अगर किसी भी पॉइंट का लिमिट पॉइंट, एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई, तो इस कंडीशन में इन दोनों का नेबरहुड इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करता है। अगर उसमें से हम एक पॉइंट को बाहर निकाल भी दें तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू फाइव। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 5। ज़रा इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, दोनों एक दूसरे के उल्टे उल्टे इक्वेशन है। एस एक्स आर इंटरसेक्शन ही माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव, डज नॉट इक्वल टू फाइव। कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, क्यों मिला, क्योंकि हमने कुछ गलत एज्यूम किया था। अपनी गलती को सुधारिए और कहिए कि एक्स ई डैश में पाया जाएगा, एक्स ई डैश का लिमिट पॉइंट था, आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट ई डैश में पाया गया, इसका मतलब ई डैश के सारे लिमिट पॉइंट ई डैश में पाए जाएंगे और ई डैश क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इस चीज़ को, कहाँ तक लिखा है, 3 तक लिख लिया। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y belongs to x such that ये लाइन ये हो गया। नीचे से लिखिए, since y belongs to e dash implies y is the limit point of e, implies y is the limit point of e।
नीचे से लिखिएगा एंड वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर इम्प्लाइज एस एक्स आर इज नेबरहुड ऑफ वाई एस एक्स आर इज नेबरहुड ऑफ वाई फिर नीचे से लिखिए देन बाय डेफिनेशन ऑफ वाई नीचे से लिखिए देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ई देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ई इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए क्या होती है परिभाषा अगर वाई ई का लिमिट पॉइंट है इसका मतलब वाई का हर एक नेबरहुड ई से इंटरसेक्ट करके वाई को बाहर निकालने के बाद भी वैल्यू क्या देगा नॉट इक्वल टू फाइव देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए एवरी नेबरहुड ऑफ वाई इंटरसेक्ट विथ ई एवरी नेबरहुड ऑफ वाई इंटरसेक्ट विथ ई अदर देन वाई नीचे से लिखिए दैट इज ये लिखिए दिस इंप्लाइज ये लिखिए यहां तक उतारिए फिर हम एक स्टेटमेंट लिखवाएंगे यहां तक उतारिए हो गया इसके नीचे से लिखिए सिंस वाई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई किसको बाहर निकाला था आपने वाई को तो लिमिट पॉइंट कौन होगा वाई सिंस वाई इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई सिंस वाई इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई देन ईच नेबरहुड ऑफ वाई देन ईच नेबरहुड ऑफ वाई कंटेन्स Then each neighborhood of Y contains infinitely many point of E. Then each neighborhood of Y contains infinitely many point of E. नीचे से लिखिए that is equation number 4. That is equation number 4. That is ऐसे लिखा करिए हाँ नीचे से लिखिए दैट इज इक्वेशन नंबर 4 हो गया नीचे से लिखिए हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग Hence, our assumption is wrong and x belongs to E dash and x belongs to E dash and x belongs to E dash नीचे से लिखिए as bracket में लिखिएगा as Equation 4 contradicts equation 1. As equation 4 contradicts equation 1. As equation 4 contradicts equation 1.
ब्रैकेट बंद, फिर नीचे से लिखिए, सिंस एक्स इज टेकन आर्बिटेरी, सिंस एक्स इज टेकन आर्बिटेरी, सिंस एक्स इज टेकन आर्बिटेरी एंड एक्स बिलोंग्स टू ई डैश, एंड एक्स बिलोंग्स टू ई डैश, नीचे से लिखिए देयरफोर ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ ई, देयरफोर ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ ई कंटेन्स इन ई, ई कंटेन्स इन ई डैश, contains in E dash. Thus, E dash is a closed set. Thus, E dash is a closed set. Thus, E dash is a closed set. हो गया? इस पे लगा लीजिएगा theorem पे important. पूछा गया है बहुत साल. Next headline डालिए. Closure of a set. क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट. देखिए मान लीजिए एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस हो और ई एक्स का कोई सबसेट हो, ठीक, तो क्लोजर ऑफ ई को ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोजर ऑफ ई को ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई बार का मतलब होता है ई यूनियन ई डैश. क्या मतलब हुआ? आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक. मान लीजिए आप दोनों तो इस कमरे के लिमिट पॉइंट हैं. अगर हम अपनी बात करें और अपने को ले जा करके कमरे के बाहर खड़ा कर दें तो हम लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी. तो ई क्लोजर कहता है ई क्लोजर, क्लोज्ड कर दो किसको, किसको, ई के पॉइंट्स को और ई के लिमिट पॉइंट्स को. E closure is nothing but it is a package which closed the points of E and the limit points of E. वो कहता है कि हमने E को तो बाध्य कर दिया, साथ ही साथ E की सीमा को मतलब लिमिट को भी बाध्य कर दिया. उसको बोलते हैं E closure. Closure का मतलब बंद कर देना. किसको बंद किया गया? E के भी पॉइंट्स को और E के लिमिट पॉइंट्स को. That is E closure is the collection of all those points of E and the limit points of E. क्लोजर का मतलब बंद करना. किसको बंद किया गया? ई के पॉइंट्स को और ई के लिमिट पॉइंट्स को. ठीक है, लिखिए इस चीज को. लिखिए लेट एक्स कॉमा डी, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड E is subset of X and E is subset of X. Then closure of E, then closure of E is denoted by, then closure of E is denoted by E pe bar. Is denoted by E pe bar and is defined as, and is defined as collection of all the points of E, collection of all the points of E, collection of all the points of E as well as all the limit points of E, as well as
ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई, नीचे से लिखिए दैट इज ई क्लोजर इज इक्वल टू ई यूनियन ई डैश, दैट इज ई क्लोजर इज इक्वल टू ई यूनियन ई डैश. रिमार्क पहला पॉइंट, क्लोजर ऑफ ई इज ऑल्सो डिनोटेड बाय क्लोजर ऑफ ई, इसे इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सी एल ऑफ ई. कुछ जगहों पे ई क्लोजर को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, उसका भी मतलब होता है क्लोजर ऑफ ई. क्लोजर ऑफ ई इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सी एल ब्रैकेट में ई. ठीक है, दूसरा रिमार्क, बाय डेफिनेशन ऑफ ई क्लोजर इट इज क्लियर दैट यहाँ देखिए, आपको पता है यूनियन लेने पे सेट बड़ा हो जाता है, तो यूनियन लिया गया है तो ये सेट बड़ा हो जाएगा किससे, इससे भी और इससे भी, तो ये तो इसके बराबर है, इसका मतलब ये बड़ा होगा इससे और बड़ा होगा इससे. दैट मीन्स ई इज कंटेंड इन ई क्लोजर एंड ई डैश इज कंटेंड इन ई क्लोजर, ये ऑलवेज का रिजल्ट है, ये घटना हमेशा घटित होगी. लिख लीजिए बाय डेफिनेशन ऑफ ई क्लोजर कॉमा ये. बच्चे देख रहे हैं, सर बैठे उधर बैठे. तीसरा लिखिए, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी देखिए, आपको बताया गया एन क्लोजर का मतलब होगा एन यूनियन एन डैश. अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो डेरिवेटिव आपने पढ़ा था, तब आपको एन डैश का मान निकलवाया गया था. आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एन डैश का मान फाई आता है, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, एन के. दूसरा है जेड क्लोजर, मतलब जेड यूनियन जेड डैश इज इक्वल टू जेड यूनियन जेड डैश की वैल्यू फाई इज इक्वल टू जेड. तीसरा एन जेड, उसके बाद आप लिखते थे डब्लू क्लोजर इज इक्वल टू डब्लू यूनियन डब्लू डैश. डब्लू यूनियन डब्लू डैश का मतलब फाई, ये वैल्यू भी क्या आएगी, डब्लू. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यू क्लोजर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू यूनियन. बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी वैल्यू क्या आती थी, आर. तो ये क्या मिलेगा, R. उसके बाद आई आर क्लोजर इज इक्वल टू आई यूनियन आर इज इक्वल टू R. उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल ए बी का बार इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी यूनियन क्लोज इंटरवल ए बी का डैश इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्लोज इंटरवल ए बी यूनियन इसकी वैल्यू आती थी क्लोज इंटरवल ए बी विच इज़ अगेन इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी. बहुत इंपॉर्टेंट है,
ओपन इंटरवल ए बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ओपन इंटरवल ए बी का क्लोजर इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ओपन इंटरवल ए बी डैश इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ए पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी का डैश किसके बराबर होता था क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी. नेक्स्ट है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड. देखिए सेमी ओपन ए सेमी क्लोज्ड बी का क्लोजर इज इक्वल टू सेमी ओपन ए सेमी क्लोज्ड बी यूनियन सेमी ओपन ए सेमी क्लोज्ड बी का डैश इज इक्वल टू सेमी ओपन ए सेमी क्लोज्ड बी. ये आता था क्लोज्ड इंटरवल ए बी विच इज अगेन इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको उतार लीजिए पूरा. ठीक है, हाफ एन आवर का क्लास चला है, हाफ एन आवर का थोड़ी देर बाद सर पढ़ा लें उसके बाद हम चलाएंगे. ठीक है, अमृता कैमरा बंद कर दीजिएगा, सर आइए तो ऑन कर दीजिएगा. क्या निष्कर्ष निकलता है? नेचुरल नंबर क्लोज सेट है, क्यों? इंटीजर क्लोज सेट है. रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्लोज सेट नहीं है. इरेशनल नंबर? वो भी नहीं है. कोई, क्योंकि कोई सेट क्लोज होगा उसका ड्राई सेट उसमें कंटेन होना चाहिए. कल क्यों नहीं आया तुम? समझ में आया तुम वीडियो लेक्चर देखे थे? सब समझ में आ गया था? कहीं कोई डाउट तुमको? आवो आवो रहे कहाँ गया रह गया आज? तुम लोग ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद लिख लिख के मतलब ऐसा नहीं होता है. ऑनलाइन वीडियो तुम देखिए, वो ऑफलाइन कर रहे हो तो उसमें कंफर्टेबल लग रहा ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही है? हाँ
नहीं नहीं हमें नहीं, बस हम मतलब अपना जान रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि जैसे तुम ऑनलाइन भी कर रही हो, ऑनलाइन वाले लड़के हमें नहीं मिले अभी तक, तुम ही हो एक ऑनलाइन कल क्लास की हो, तो उसमें सब कुछ मतलब डिटेल में समझ नहीं आ जा रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कहीं लिखने में या कहीं कुछ। चलो क्या डज नॉट कंटेन कल, अच्छा अच्छा ये डज नॉट कंटेनिंग एनी टर्म ऑफ ईयर, तो वो तो बोल दिए थे, मान लो जो चीज नहीं है और ये तुम देखे हैं हम वीडियो देखते हैं तो पता नहीं क्यों हमेशा कभी जूम होता है कभी अप होता है, बोल रहा है ये सही नहीं है लग रहा। चालू है उसको आप कर चालू।